अभी दुकान का काम बढ़ गया है तो सोच रहा हूँ दुकान में एक मैनेजर रख। सेठालाल विचार तो अच्छा है, लेकिन वाकई में मैनेजर रखने की जरूरत है? हाँ पोपटलाल, अभी दुकान में काम इतना बढ़ गया है कि नट्टू काकार भागा पहुंच नहीं पा रहे, इसीलिए अभी मैंने तय किया है कि भाई दुकान में एक मैनेजर की जरूरत तो है ही। सेठालाल का काम बढ़ा है तो स्टाफ भी बढ़ना ही चाहिए। नहीं बराबर है जेठालाल, तुम स्टाफ बढ़ाओ, टेंशन कम हो जाएगा तुम्हारा। भले। हाँ जेठालाल, जैसे शादी के बाद फैमिली बढ़ती है वैसे तुम्हें भी अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए। क्या मतलब? तो मेरा मतलब है कि नट्टू काका और बागा बरसों से तुम्हारी दुकान में काम कर रहे हैं, अब तुम्हें अपनी दुकान की फैमिली बढ़ानी चाहिए। ओहो। लो यारो, ओ पप्पू ने इसमें भी शादी का उदाहरण दिया। कमाल है पोपटलाल, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई और तुम फैमिली बढ़ाने की बात कर रहे हो। अरे शादी नहीं हुई है तो क्या हुआ, प्लानिंग तो मैंने कब से कर रखी है, और ये सब भी प्लानिंग का ही हिस्सा हुआ ना। इन शॉर्ट जेठालाल, तुम्हें मैनेजर रखना चाहिए। नहीं नहीं बराबर है, रखो मैनेजर। इसी बात पर सोडा पीजिए। दीजिए पास करो। आदि भाई एक मिनट। हाँ। आपके लिए वो मसाला ज्यादा है ना। ओ थैंक यू अब्दुल। चलो आदि भाई। अरे आ गया जेठे, सोडा पी। जी बापूजी। चल मैं सोने जाता हूँ। बापूजी एक दो मिनट। क्या हुआ? कुछ बात करनी है। किस बारे में? बैठे ना जेठिया, दुकान में सब ठीक है ना? हाँ अरे दुकान में तो कुछ ज्यादा ही ठीक है बापूजी। तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो बात क्या करनी है? मैं सोच रहा हूँ बापूजी दुकान में एक मैनेजर रख लूँ। क्या? सोच रहा हूँ दुकान में एक मैनेजर। अरे वो सुना मैंने भाई, वो सुना। क्या मतलब अचानक तुझे मैनेजर रखने की क्या जरूरत पड़ गई? नट्टू बागा तो है ना? नहीं नहीं वो दोनों तो है ही। तो फिर तू मैनेजर रखेगा तो उन दोनों को कैसा लगेगा, इस बारे में सोचा है? मतलब? एक बेटा, जब हम नए व्यक्ति को काम पे रखते हैं ना तो पुराने लोगों को बुरा लग सकता है। बुरा? हाँ पुराने लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सेठ नए व्यक्ति को काम पे रख रहे हैं, और ऊपर से तू तो मैनेजर रखने की बात कर रहा है। मैनेजर मतलब नट्टू और बागा के ऊपर एक और से, अभी तेरे साथ साथ नट्टू और बागा को उसे भी जवाब देना पड़ेगा। तो बापूजी मैं ये मैनेजर उनके भले के लिए रख रहा हूँ। भले के लिए? हाँ। क्या है पिछले कुछ समय से दुकान में काम बढ़ गया है बापूजी, तो उसकी वजह से क्या उन दोनों के ऊपर काम का लोड बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा नहीं ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि नट्टू और बागा को बुरा ना लगे। वो बापूजी इसमें बुरा लगने की क्या बात है, ये मैनेजर के आने से उनके ऊपर जो काम का लोड है वो तो उल्टा कम हो जाएगा, तब मेरे हिसाब से तो वो दोनों बहुत खुश होंगे। बागा भाई बस हमें यही दिन देखना बाकी रह गया था। नट्टू काका अभी दिन नहीं रात है। अरे आज जो दुकान में हुआ ना उसकी बात कर रहा हूँ। अब नया मैनेजर आएगा, हमारी दुकान में अब हम पर हुकूमत चलाएगा। बराबर है नट्टू काका, हमसे एक गलती क्या हो गई, सेठ जी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। बागेश्वर जी, नट्टू काका। भाभी जी क्या हुआ, आप लोग आसमान में क्या देख रहे हो? बागेश्वर जी आज हम बाहर मिलने वाले थे, आप आए ही नहीं। बावरी जी मैं आपसे मिलने नहीं आया क्योंकि मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। बागा हम। हाँ सॉरी हम। अच्छा क्या टेंशन है आप दोनों को, मेरे साथ भी शेयर करो ना, मैं भी आपका टेंशन दूर करने का कोई रास्ता सोचती हूँ। नहीं बावरी जी आप रहने दीजिए, ये बहुत बड़े टेंशन वाली बात है। तुम
मुझे भी दीजिए ना थोड़ा टेंशन। हमने वादा किया था ना कि हमारी खुशी और गम एक दूसरे से बांटते रहेंगे। नटू काका, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पार्टनर। हाँ बता दे बागा जी। हाँ हाथ दीजिए, आइए। अरे भावरी जी क्या कर रही हैं आप? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अभी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। सॉरी सॉरी। वैसे आप दोनों को क्या टेंशन है बताइए ना। भावरी जी, आज सेठ जी ने फैसला किया है कि वो हमारे ऊपर एक मैनेजर रखेंगे। अरे ये तो अच्छी बात है ना। कैसे? फिर तो आपको ज्यादा छुट्टी मिल सकती है। अरे क्या ज्यादा छुट्टी मिल सकती है, मैनेजर के चक्कर में मेरी और नटू काका की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गई तो। ऐसे कैसे? बावरी बेटा, बागा की बात सही है। कोई भी नया आने वाला एम्प्लॉई अपना काम अच्छा दिखाने के लिए पुराने एम्प्लॉई का काम नीचा दिखा सकता है। बराबर है, और नए एम्प्लॉई के आने से दुकान में कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगी, और अगर उस मैनेजर ने सेठ जी का दिल जीत लिया तो सेठ जी के सामने मेरी और नटू काका की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। नहीं बागेश्वर जी, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि आप अमूल्य है, तो आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बावरी जी आप बहुत भोले हो, समझ ही नहीं रहे हो। सेठ जी हमारे ऊपर एक मैनेजर रख रहे हैं, मैनेजर जो हमेशा मुझ पे और नटू काका पे नजरें बनाए रखेगा। आज तक हम सेठ जी से सीधा बात करते थे और वो हमें ऑर्डर देते थे, अब नया मैनेजर आके हमें ऑर्डर देगा। बोलो, हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को इतने साल दिए ये दिन देखने के लिए। लेकिन फेटालाल जी को अचानक ये विचार क्यों आया? बावरी जी आप तो जानते ही हो, पिछले कुछ दिनों से दुकान में काम बहुत बढ़ गया है, घड़ी भर की फुर्सत नहीं मिल रही, और उसी चक्कर में धनराज सेठ नाम की एक पार्टी से 6 लाख रुपए का पेमेंट लेना हम भूल गए, और उसी की वजह से ये सारी परिस्थिति खड़ी हुई है। अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है? पर आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? जिसका पेमेंट बाकी है उसे लेकर आइए और फिर मन लगाकर काम कीजिए, फिर सेठ जी खुश भी हो जाएंगे और वो किसी नए मैनेजर को भी नहीं लाएंगे। बावरी बेटा, हम काम से नहीं डरते, काम तो हम दुगना कर सकते हैं, लेकिन ये धनराज से पेमेंट निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ बावरी जी, और ये धनराज सेठ है कि पेमेंट दे ही नहीं रहे हैं, उन्हें कितने फोन किए लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। हाँ कितनी बार उनकी ऑफिस गए तो ऑफिस में भी मिलते नहीं है, और इसी वजह से सेठ जी कल से नया मैनेजर ढूंढने में लग जाएंगे। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम भुट्टा खाने जाते हैं। अरे जी ये कैसा आइडिया है, इतने टेंशन में आपको भुट्टा खाना है? आपका टेंशन कम करने के लिए भुट्टा खाना है। लेकिन भुट्टा खाने से टेंशन कम कैसे होगा? भुट्टा आप दोनों का फेवरेट है ना, तो आप भुट्टा खाएंगे तो आपका टेंशन कम हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बावरी बेटा, नट्टू काका हम भुट्टा खाते हुए कल क्या करना है वो सोचेंगे। ये लीजिए बागेश्वर जी, आपका फेवरेट भुट्टा खाइए और टेंशन दूर भगा दीजिए। लेकिन बावरी जी ऐसे कैसे टेंशन दूर भगा दूं? भागा, मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या? यही कि कल हम सुबह सेठ जी को बोल देंगे कि अगर आप नया मैनेजर रखोगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे, 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 हम नौकरी छोड़ देंगे। क्या? नटू काका, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ देंगे? बागा, अगर तू चाहे तो तू जुड़ा रह सकता है, मैं नहीं। अब इस उम्र में मैं नया आदमी का ऑर्डर नहीं ले सकता। नहीं 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 नटू काका, जहाँ चाचा वहीं भतीजा, आप एकदम बराबर बोल रहे हो। हमारे होते हुए दुकान में कोई नया मैनेजर नहीं आ सकता है।
सालों से हम गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते आए और आगे भी हम ही करेंगे। बराबर है नटू काका, लेकिन आप नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? बावरी जी, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। मुझे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब रिपेयर करना आता है। मैं एक छोटी सी रिपेयरिंग शॉप खोल लूंगा और मैं गांव जाके खेती करूंगा और मंदिर में जाके भजन करूंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा। अरे नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बावरी जी, जरूरत है। अगर कल सेठ जी दुकान में मैनेजर लाएंगे तो हम नौकरी छोड़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे, मतलब yes. छोड़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे। चले बाबूजी, हाँ चल। कहाँ कहाँ तू ले गए? अभी तूने बोला ना चलिए बाबूजी। नहीं नहीं, मतलब चलिए बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ ऐसे। हाँ तो खाली दुकान जा रहा हूँ, इतना बोलना भाई। रोज चलिए बाबूजी क्यों बोलते? सॉरी, चलिए मैं दुकान जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादाजी। पापा मैं आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजूंगा, आप प्लीज उस पर पेमेंट कर देना। बेटा सुबह सुबह पापा से आशीर्वाद मांगने चाहिए, पैसे नहीं। आपके आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा होते हैं। पैसों की जरूरत थी तो पैसे मांग लिए। अजो क्या जो, तू इतना भी नहीं समझ रहा है, वो मस्ती कर रहा है। हाँ पापा मैं मस्ती कर रहा था, लेकिन पापा बिना भूले पेमेंट कर देना। अरे बेटा पेमेंट किस चीज का है वो तो बता। बस बोल दिया पेमेंट कर देना। पैसे पेड़ पर नहीं उगते बेटा, कमाने पड़ते हैं, समझा? दादाजी भाई, बापू जी को इसमें बीच में मत डाल। अरे जीजा बापू जी प्लीज, आप भी इसकी साइड मत लीजिए, अभी ये बच्चा नहीं रहा। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ कि वो अभी बच्चा नहीं रहा, उसके पास कारण होगा ही। और नहीं तो क्या पापा, मुझे एक ऑनलाइन कोर्स करना है, हाउ टू डू मार्केटिंग विद AI। मार्केटिंग का कोर्स करना है? अब तू तो मार्केटिंग की तो डिग्री लेके आया है ना, वो सब क्या हुआ, उड़ गया इधर से? अरे पापा वो मार्केटिंग की पढ़ाई थी, ये मार्केटिंग विद AI है। की AI? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कौन है? देखिए पापा, जैसे मोबाइल और कंप्यूटर के आने से दुनिया बदल गई, वैसे ही AI के आने से भी दुनिया बदलने वाली है। अच्छा मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी है। हाँ हाँ ऐसा ही समझिए। तो मार्केटिंग विद AI को सीखने के लिए मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ। और आपको पता है पापा, इस ऑनलाइन कोर्स में दुनिया के बड़े बड़े टीचर्स आने वाले हैं। देखा? पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं ये जो कोर्स कर रहा हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। पापा प्लीज पेमेंट। हाँ हाँ कर दूंगा, ठीक है बाबू जी। चल आशीर्वाद दीजिए, कोई अच्छा सा मैनेजर मिल जाए। मैनेजर? हाँ तेरा पापा दुकान में मैनेजर रखने वाला है। पापा आपको मैनेजर रखने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं आ जाता हूँ दुकान। बेटा ऐसे डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते, तुझे रोज दुकान आना पड़ेगा, पूरा धंधा समझना पड़ेगा, दुकान का काम कैसे होता है वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद मैनेजर बन सकता है तू। हाँ तो धीरे धीरे सीख जाऊंगा ना मैं। बेटा अभी तुझे सीखने का टाइम नहीं है, वैसे ही दुकान में बहुत काम है, मुझे अभी कोई अनुभवी मैनेजर की जरूरत है। पापा मैं क्विक लर्नर हूँ, आपको मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको देख देख कर ही सीख जाऊंगा। वाह, काम करने की तेरी उत्कंठा देख के मुझे अच्छा लगा। बस तो फिर मुझे एक बार आने दीजिए ना, मैं मार्केटिंग में चैंपियन हूँ। बेटा धंधा सिर्फ मार्केटिंग से नहीं चलता है, और भी कई सारी चीजें, जैसे माल की डिलीवरी बराबर हुई कि नहीं, कस्टमर हमारी दुकान से जो प्रोडक्ट लेके गया है वो प्रोडक्ट से वो खुश है कि नहीं, और सबसे जरूरी बात, जो माल हमने बेचा है उसका पेमेंट टाइम पे आना चाहिए। यार कई व्यापारी लोग माल तो ले जाता है लेकिन पेमेंट टाइम पे देते नहीं है, तो पेमेंट उनसे निकलवाना पड़ता है। उसमें क्या है पापा, पेमेंट के लिए सिर्फ फोन ही तो करना होता है। बेटा पेमेंट निकलवाना बच्चों का खेल नहीं है, बिजनेस में सबसे मुश्किल काम यही होता है। टप्पू हर मुश्किल काम को आसान कर सकता है,
आपको टप्पू का स्टाइल पता नहीं है। बेटा ये सोसाइटी कंपाउंड में नवरात्रि और गणपति का पंडाल लगाने जितना आसान नहीं है। बिजनेस एक अलग ही गेम है। लेकिन पापा। बेटा बस चलिए बाप। चल दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी मैं सामने से बोल रहा हूँ पापा को कि मुझे दुकान आना है, लेकिन वो मना कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्योंकि जेठिया सही कह रहा है। अरे खुद की दुकान है तो क्या सीधा मैनेजर बन जाएगा? अरे बेटा तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, समझा? ओके। भगवान करे जल्दी से कोई अच्छा सा मैनेजर मिल जाए। बबीता जी कोई मैनेजर बनाकर रख लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। होशियार है, देखावड़े है, पढ़े लिखे हैं, और इंग्लिश तो उनकी अंग्रेजों का शर्मा हुए ऐसी है। यार भाई नहीं मानेंगे। कोई नहीं मिला तो एक बार पूछूंगा तो सही। ओ जेठालाल, हाँ यहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं बताता हूँ, मौसम अच्छा है तो आज दुकान नहीं जाता हूँ। मस्त पैकी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाता हूँ, वो खाता हूँ, फिर मस्त पैकी मसाले वाली चाय पी के घर पे सो जाता हूँ। यही सोच रहे थे ना? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आज रिक्शा मिलेगी कि नहीं, इतने में भगवान ने तुझे भेज दिया। चल चल मुझे दुकान छोड़ दे। जेठालाल मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन इधर ही, क्योंकि मैं तुम्हारी दुकान की तरफ नहीं जा रहा हूँ। भले ना जा रहा हो, आज जा भाई, थोड़ा पुण्य का काम कर, मुझे वहां तक छोड़ दे। तेरा वहां तक का जितना पेट्रोल जलेगा उतना पैसा मैं दे दूंगा तुझे। कमाल है जेठालाल, तुम्हारे पैसे देने से मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? हाँ ठीक है, तो पैसा नहीं दूंगा। हाँ चल। जेठालाल मुझे बहुत सारे काम करने भाई, आज मुझे आचार बड़ की डिलीवरी करनी है, सोसाइटी के बिल्स भरने हैं, बहुत सारे सामान की खरीदी करनी है, और समय पे आके ट्यूशन भी लेना है। चलो मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बबीता जी। कहाँ दुकान जा रहे? हाँ आइए तो मैं आपको छोड़ दूँ। कहाँ दुकान? हाँ एक्चुअली मैं उसी तरफ जा रही हूँ इसलिए। थैंक यू। आइए चलिए। भगवान भिड़े ने मुझे ना बोला तो मुझे बुरा लगा, लेकिन आपका तो कुछ अलग ही प्लान था। थैंक यू। পরে দেখা হবে। ওকে চল বাই। সরি জেঠাজি, एक्चुअली मैं जिस फ्रेंड के घर में जाने वाली थी ना, उनके घर में अचानक से गेस्ट आ गए, तो हमारा बाहर जाना कैंसिल हो गया। सॉरी। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बबीता जी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अरे आप क्यों सॉरी बोलेंगे? मेरा नसीब की वजह से, मेरा नसीब इतना मस्ती खो रहा है ना कि कोई मेरी मदद करना चाहता है उसी वक्त वो बीच में आकर टांग अड़ाता है। इसलिए आपका कोई कसूर नहीं है, मेरा नसीब ही मस्तीखोर है। फिर भी सॉरी जी। नहीं अरे सॉरी मत बोलिए बबीता जी प्लीज। ओके ओके यार, सच में भगवान आपका प्लान अलग ही होता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। अब रिक्शा मिलेगी या चल के जाना पड़ेगा दुकान? नटू काका, मुझे लगता है सेठ जी आज के आज ही कोई नया मैनेजर ढूंढ लेंगे। अब हमें हमारी इस कर्मभूमि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। हाँ नटू काका, लेकिन नया मैनेजर आने के बाद हम यहाँ से रिजाइन करेंगे। बराबर है बागा, नया मैनेजर आने के बाद हम नौकरी छोड़ेंगे, बीच में सेठ जी को परेशान नहीं करेंगे। बराबर है नटू काका, मैं जाके धनराज सेठ के यहाँ से पेमेंट लेके आता हूँ,
हो सकता है पेमेंट मिलने के बाद सेठ जी अपना विचार बदल दे। हाँ हाँ बागा जल्दी जा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नट्टू काका। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि नट्टू काका और बागा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई जिस तरह से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही नट्टू काका और बागा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह से हम घर की कल्पना नहीं कर सकते बिना दीवार के, ठीक वैसे ही नट्टू काका और बागा के बिना हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दीवार हैं। लेकिन जेठालाल के निर्णय के वजह से दोनों बहुत दुखी हैं और इसी वजह से नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। नए मैनेजर की बात की वजह से दोनों बहुत इनसिक्योर हो गए। लेकिन ये भी सच है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को नए मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि बदलाव जरूरी होता है, उसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती। बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक का सफर बिना बदलाव के नहीं हो सकता। उसके बगैर देश, जीवन और बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखना यह है कि इस परिस्थिति में नट्टू काका और बागा क्या करते हैं। क्या वो नौकरी छोड़ देंगे? क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को नए नट्टू काका और बागा मिलेंगे, या फिर जेठालाल अकेले ही दुकान संभालेंगे? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए आइए मैडम, आइए आइए आइए, बोलिए। मैं बावी हूँ, बावी। बावरी तू? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर की पोस्ट के लिए अपने आप को लेके आई हूँ। क्या? 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 कौन सी डिग्री है तेरे पास? MBA। हैं? पहाड़ी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो तू रोज पढ़ने कैसे जाती थी? पर्वतारोहण करके?